नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास पुलिस की विशेष टीम ने हरियाणा से शराब माफिया को किया गिरफ्तार। रोहतास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मद निषेध कांड के फरार एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब कारोबारी हैप्पी बताया जा रहा है, जो महेंद्रगढ़ हरियाणा जिला डोगरा का रहने वाला है। इस मामले में एसपी विनीत कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सासाराम फसल थाना अंतर्गत विगत 18 जून 2021 को अवैध शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी के दौरान 4,806 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया गया था। इस संबंध में सासाराम फसल थाना में FIR दर्ज किया गया था, जिसके बाद 2,000 लीटर से अधिक शराब कांडों में फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन कर अभियुक्त हैप्पी सिंह को हरियाणा के सदर थाना कनीना चौक के डोगरा जाट गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में 4,806 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। उक्त कांड के पूर्व में भी जांच अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर चला रहे हैं। इसके अंतर्गत जो 2,000 लीटर से ऊपर के केस हैं, यहाँ पे 2,000 लीटर से ऊपर की रिकवरी है, बड़े केसेस हैं, जहाँ पर हम लोग अंतर्राज्यीय गिरोह जो है कांड के अनुसंधान के क्रम में उद्भेदित हुआ कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, उसमें बहुत सीरियसली तरीके से हम लोग काम करते हुए एक टीम का गठन किया गया था। और ये टीम आपको विशेष टीम जो है तकरीबन एक माह तक ये गई बाहर, चार राज्यों को इसने कवर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपको दिल्ली, इसके उपरांत जो है वहाँ पे कुछ पार्ट जो है वहाँ पे पंजाब का था। तो वहाँ पे जाकर 7 कुर्की का हम लोग निष्पादन किए, 37 थाने में कैंप करके सत्यापन किया गया और 2 गिरफ्तारियाँ की गई, कुल 6 इश्तिहार का तामिला किया गया और 47 से अधिक कांडों का अनुसंधान इंटीग्रेटेड तरीके से बाहर टीम विशेष टीम भेज के कराया गया। इसी कड़ी में रोहतास पुलिस की विशेष टीम ने लूट कांड के टॉप 10 के एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। खबर रोहतास जिले से है, जहां रोहतास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट कांड के टॉप 10 के एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराध कर्मी पवन कुमार सिंह बताया जाता है, जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सिलारी गांव का रहने वाला है। इस मामले में एसपी विनीत कुमार ने डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश वार्ता के दौरान कहा कि सासाराम नगर थाना अंतर्गत गौलक्षणी ओवर ब्रिज पर विगत 21 अगस्त 2020 में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा अवैध हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगद पैसा लूटपाट करने की, जिसमें भुक्तभोगी राजू रंजन ने सासाराम नगर थाने में लूटपाट की FIR दर्ज कराई थी, जिसे रोहतास पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। इसी दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त घटना में सम्मिलित एक अपराधकर्मी सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत नहोना गुमटी के पास देखा गया। इस सूचना का सत्यापन में छापामारी के दौरान एक अपराधकर्मी पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी के दौरान करीब 4,806 लीटर विदेशी शराब जो है जब्त किया गया है। इस संबंध में कांड भी दर्ज हुआ था, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 222-21। रोहतास पुलिस ने उस समय पे कार्रवाई जो है की थी, विशेष टीम का गठन किया था और अब इस कांड में जो कुल 5 लोग शामिल थे, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 5वीं और अंतिम गिरफ्तारी है विशेष टीम के द्वारा हरियाणा से की गई है। ये व्यक्ति का नाम हैप्पी सिंह है, ये रहने वाले थाना सदर कनीना चौकी, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इनसे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये और अधिक तरीके से क्लियर हो पाए, स्पष्ट हो पाए कि आखिर ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहे हैं, ये क्या क्या इनका नेटवर्क है। और इस संबंध में हम लोग जो है जो भी टीम गई थी इनके अच्छे काम के लिए हम लोग इनको पुरस्कृत करेंगे और वरीय पदाधिकारी के स्तर पर भी इनको पुरस्कृत कराएंगे। जानते हैं पूर्व में भी हम लोग प्रेस विज्ञप्ति और आप लोगों से वार्ताक्रम में स्पष्ट करते रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में और STF के सहयोग से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है जिले के टॉप 10 और टॉप 20 अपराधकर्मी, वैसे अपराधकर्मी जो कि वर्तमान में पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रहे हैं। तो अब तक टॉप 20 में हम लोग 16 गिरफ्तारी कर चुके हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं 16वीं गिरफ्तारी है और टॉप 10 में हम लोग 5 लोगों को गिरफ्तारी इसमें कर चुके हैं। ये जो 16वीं गिरफ्तारी हुई है टॉप 20 में, दिनांक 21 जुलाई 2020 को, पुराना केस है, करीब 3 साल पुराना, सासाराम नगर के अंतर्गत गौरक्षणी ओवर ब्रिज पे अवैध हथियार का भय दिखाकर मोबाइल, मोटरसाइकिल और पैसा लूटपाट का कांड जो है दर्ज कराया गया था।
और हम लोगों ने इस संबंध में 446-20 सासाराम नगर थाना कांड संख्या केस दर्ज किया था। 392 यानी लूट के धारा में कांड दर्ज हुआ था। और इस संबंध में जो है हम लोगों ने फिर एक टीम गठन किया था और टॉप 20 के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर नोहाना गुमटी जो सासाराम मुफस्सिल थाना के अंतर्गत है, हम लोग को सूचना मिली कि वहाँ पर संदेहास्पद लोगों का जमावड़ा हो रहा है। इसका सत्यापन करते हुए जब छापेमारी की गई, इस संबंध में पवन सिंह जो हैं रहने वाले हैं थाना शिव सागर के, उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ इनसे की जा रही है वर्तमान में, परंतु ये भी देख रहे हैं कि क्या वर्तमान में ये सक्रिय हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग अन्य राज्यों से भी सीमा बॉर्डर यहाँ सटता है, ये भी ज्ञात किया जा रहा है कि वर्तमान में 3 दिनों तक आखिर ये कहाँ फरार थे और क्या फरारी अवधि के क्रम में इनके द्वारा कहीं अन्य अपराध कारित तो नहीं किया गया है। इनका जो आपराधिक इतिहास है अभी हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन जैसा जानकारी मिल पाया है कि कुछ एक केसेस में इनका पहले का अपराध सिमिलर जो कांड है लूट के कांड उनमें रहा है। तो जो भी टीम इसमें काम की है उसको हम लोग जो पुरस्कृत भी करेंगे और सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर भी इनको हम लोग पुरस्कृत करने का हम लोग जो है अनुशंसा भेजेंगे। बड़ी कर दे।